सोनी, आज का की तैयारी चल रही है? राम राम माता बहनो, आज मैं तैयारी कर रही हूँ। देखो छोटे बड़े निको निको राम राम। ये बथुआ के पालक बनाने जा रही हूँ, पराठे। पराठे हमारी अम्मा भी राम राम कर रही है, हमारी अम्मा की तरफ से भी राम राम सभी को। छोटे बड़े निको निको राम राम। तो आज ये बथुआ तोड़ के लाए और इसके काफी स्वादिष्ट पराठे बनाती है सोनी, तो आज इसके परांठे बनाएंगे। और गांव में काफी फेमस रहता है ये बथुआ के टाइम पे, बथुआ के परांठे सब लोग बनाते हैं सर्दी के टाइम पे। चार हरी मिर्च ली है, दो प्याज, एक लहसुन की पूरी गांठ। देखो नैनी नैनी कटिंग करेंगे। सोनी चूल्हे में बैठ कर लहसुन छील रही है। चूल्हे में क्यों छील रही है? बात बात रहा ना, बैठ जाएगा। चूल्हे पर ना बैठ। सब लोग बोलते हैं लहसुन हर एक चीज में डलती है, हमको अच्छा लगता है। अभी लहसुन को खल्लड़ में कूटेंगे, आप लोग भी लहसुन को डाल के देखना पराठों में, काफी स्वाद के लगते हैं। लहसुन पिसको, वो कुटेगो। अभी मसाला तैयार है, वो तैयार हो गया मसाला। अभी काटेगी बथुआ। बथुआ पहले मई अम्मा मम्मी काटती हैं। अम्मा पे तो कटेगो नहीं चुरी थी अब। कितना बारीक बारीक कट रहा है, यही तो काटने की कला है। तो ये छुरी, अब छुरी से थोड़ी, अब काटना चाहे तो छुरी से थोड़ी कट जाएगा इतना बारीक। अभी सोनी देखिए कितने बढ़िया तरीके से कटिंग कर रही है, और सावधानी से काटिए क्योंकि हाथ नहीं कट जाए इसलिए। और देखो कितना बारीक बारीक कट रहा है। तो तैयार हो, स्कूल लेकर आए जल्दी, लेट है जाएंगे। देखो कितना बारीक बारीक का ऐसा काटना है, इस तरीके से कटिंग करनी है। तू स्कूल जा, दवाई दो, डॉक्टर पे दिखा के लाऊं। देखो थोड़ी सी हींग है, ये हींग पर इतनी अच्छी है, देसी हींग है ये एकदम। पूरे दिन महक नहीं जाती आता में से। मैं डालूंगी, आटे में डलेगी हींग। आटे में डाल दी मैंने हींग, और इतनी हींग से काफी खुशबू हो जाएगी। एक चम्मच मिर्च लेंगे, लाल लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच। और क्या क्या डलेगा इसमें? एक चम्मच नमक, जरूरी है कि चम्मच है नमक, अपने स्वाद के अनुसार डाल रहे हो आदमी नमक। नहीं हम डाल रहे हैं अपने। हाँ तो यो के ना, अपने अपने हिसाब से डालो नमक। जैसे कि कई लोग बोल रहे थे समोसा में लहसुन चाय नहीं डालता है, बोल रहे थे, हमको अच्छा लगता है इसलिए डाला था। अच्छा अब ये बनाया था बथुआ है, ये बथुआ कटिंग किया अभी। ये इसमें हरी मिर्च, प्याज, लहसुन। हरी प्याज में लहसुन में सब मिक्स कर दिया है तूने इसमें। सब तो ये रोटी बेले में दिक्कत नहीं करेगी ये प्याज? नहीं करती। अभी सभी को मिक्स करके और मार देंगे इसको।
जब बनेंगे इसमें टेस्टी पराठे, बथुआ के गांव के फेमस बथुआ के पराठे। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है क्योंकि आटा लगता है, ढीला लगा। आटे को थोड़ा टाइट रखना है, यही तो बोलना चाह रही है। हाँ। क्योंकि बनाएंगे तब तक तो वो बहुत ढीला है। लग गया आटो, आटा लग गया। ओ इतना टाइट है, देखो कितना जोर लगाना पड़ रहा है। विवेक खा रहा है वो लौकी का हलवा जो हमने कल बनाया था। कैसा लग रहा है विवेक? मस्त लग रहा है। स्कूल को रख के ले जाओ। अभी ये बन गया। बना नहीं है। हाँ तो बन तो रहा है, गाय का ही तो पराठा है ये पहला वाला। ये हमारी गाय का पराठा है, ये पहले गाय खाएंगी उसके बाद में हम खाएंगे। गाय के लिए स्पेशल तीन कोने का पराठा। अभी पराठे सीखे तो धनावर टिप्पण लेके पहले आए वो। गैया देख रहे थे ना विवेक, गैया रोटी देगी फिर फटाफट। जब विवेक खाए रहो लौकी को हलुआ, अब योगेश खाए रहो लौकी को हलुआ। अब स्कूल में रख के ले जाएंगे हलुआ। वैसे पराठे बढ़िया लगेंगे हलुआ थे, मस्त लगेंगे। अरे गैया मस्त है जाइयो गई। हाँ स्वाद आए आज तो पराठे। हाँ चटपटी चीज आते हैं, पहले गुरु में रख के रोटी आवती मीठी मीठी है जो मैं रख के ले जाएगी ना। कल ले लुआ ले गो तो आज नहीं नहीं माँ की कह रहा हूँ गैया की। आज तो गुरी लेके जाइयो। अब बनेगा पूरा पराठा, अच्छी विधि बताएंगे। पहले गोल गोल घुमा लो, गेंद बना लो। हैं गोल बनाने के बाद में थोड़ा तेल लगाएंगे, तेल लगा के फिर इसको तीन कोने का बना देंगे। ये बना दिया तीन कोने का। अभी इसको बेलेंगे। अभी पराठे को डालेंगे तवे पर। पराठा पलट गया एक बार, इस पे तेल लगेगा, ऊपर ऊपर तेल लगाएंगे। दूसरी साइड में फूल गया पराठा। इसमें प्याज डालिए नहीं तो कम फूल पाएगा। हाँ प्याज। अभी पराठा तीसरी बार पलट गया। अभी जा रहे हैं बच्चे स्कूल के लिए, तो ये तो अच्छी बात है कि पैर छू कर जाते हैं। स्कूल में बोलते हैं इनके सर जी कि माँ बाप के पैर छू के आया करो, तो रूल को फॉलो करते हैं और अच्छा भी है। अभी स्कूल के लिए निकल गए दोनों योगेश विवेक।
पराठे बन गए और आप देख सकते हो कितने सारे पराठे बनाए सोनी ने, कितने मस्त मस्त करारे करारे। और आपको पराठे अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, ठोक दो लाइक कर दो अभी से। मम्मी काले क्या आ रही है, कमर हमर दे दे आज। गाइस देखिए हिमांशु गैया को रोटी खिलाने के लिए जा रहा है और मैंने ये पराठा ले लिया गुड़ के साथ में, और गैया माता इधर बैठी हुई है तो अभी गाय को खाना खिलाते हैं। ओ हिमांशु ऐसे ना बेटा बेटा, गैया पांच ही लेते हैं, यो करें जो मूड पे तो यो करें जो छिलो जो आशीर्वाद दो। रोटी ने उठा ले दे खवा दे मात ना ने, ऐसे ना फेंका हिमांशु ऐसे खवाते देख न्यू आता थे देख न्यू करें ऐसा खवाते हैं, ले खवाए आता थे पकड़ के खवा ले, नहीं मारे ही थोड़े ही न्यू आता थे खवाए न्यू कुतिया रोटी दे दे ही और दे दे कुतिया और रोटी खवा दे। अभी सभी ने भोजन कर लिया गाइस और हमारी मम्मी अम्मा भोजन कर रही हैं और आप भी भोजन कर लीजिए। और आज के वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे। जय हिंद।